कौन सा रास्ता सही है, ये कि ये? क्या हुआ नील? इससे आगे के मार्ग का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है। अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसे बुलाएं नील? यहां से आगे बढ़ने के मार्ग का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा। बस बस ठीक है, वहीं रुक जाओ। व्यर्थ अपनी स्नेह भावना का प्रदर्शन मत करो। प्रतियोगिता के लिए चलें? हाँ हाँ चलो। चलते चलो सुषेण। कितनी विचित्र बात है नानाथ, जो वाली तीनों लोकों में देव दानव मनुष्य किसी से भी भयभीत ना होने का अभिमान करता था, उसी वाली को हमारे अवोध मारुति के भोलेपन से भय लगने लगा था। सत्य कहा प्रिय, जिस प्रकार उजाले की उपस्थिति में अंधकार मिट जाता है, सत्य के सामने असत्य अपना अस्तित्व खो देता है, ठीक उसी प्रकार कपटी और धूर्त प्राणी भी निश्चल हृदय वालों के समक्ष अपना सामर्थ्य खो बैठता है। मारुति का निश्चल स्नेह और भोलापन देखकर वाली भी
हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था, इसीलिए उसने मारुति से दूरी रखना ही उचित समझा। वाली भैया, वाली भैया, अब और कितनी दूर है वो स्थान? चलते चलो सुषेण, बस सब पहुंच ही गए समझो। चलो प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, मैं महानतम केवल अपने समकक्ष लोगों के साथ ही प्रतियोगिता करता हूं। हाँ वाली भैया, आपने सत्य कहा, आप अभी मारुति के समकक्ष नहीं पहुंचे हैं। तुम सब यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो या हास प्रयास करने? वाली भैया, हम सब प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे। और वाली भैया, ये देखिए, मारुति अपनी माँ का बनाया हुआ अंगवस्त्र भी पहनकर आया है। लाओ। ये अंग वस्त्र मुझे दे दो। ये तो तुम्हें अब प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। मारुति को उसका अंग वस्त्र लौटा दो, मारुति इसे पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। सर्वप्रथम प्रतियोगिता, तत्पश्चात अंगवस्त्र। मारुति को माँ का बनाया हुआ अंगवस्त्र अभी लौटा दो। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? हाँ, या कदाचित प्रतियोगिता में हार जाने का भय सता रहा है तुम्हें?
पिताश्री ने मारुति से कहा था प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मारुति अपनी माँ का दिया हुआ ये अंगवस्त्र पहनकर ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ये अंगवस्त्र मुझे लौटा दो। जाओ, नहीं देता। सखा की धन्यवाद सखा। ये तो अब तुम्हें प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। पहले प्रतियोगिता में विजयी होकर दिखाओ तो यह अंगवस्त्र तुम्हारा। बस बस। मैं अब तुम सबको प्रतियोगिता के नियम बताता हूं।